महिला सम्मेलन एवं नवनिर्वाचित विधायकों के अध्यक्षता कर रहे हैं विजय गुप्ता जी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भाई देवन रजक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष डीसी कटारिया जी, मिथिलेश कुमार जी एवं प्रदेश और जिला के सभी हमारे पदाधिकारीगण, लाल बाबू गोप जी उपस्थित, सभी हमारे जिला के हर प्रखंड से आए हुए हमारे जिला के डीलर भाई, आज इस कार्यक्रम में जो आप लोगों ने उपस्थिति दिखाई है और हम जब से विधायक हुए हैं तो सबसे पहले मैंने पुरंदी में और पुरंदी के डीलर लोगों का समस्या को लेकर बात की थी और बैठक किया, तो बैठक से मुझे यही पता चला कि डीलरों का होता है मोहन, डीलरों का होता है मोहन और जनता का होता है सोहन, और ये डीलरों का मोहन करने वाले पदाधिकारी हमने स्पष्ट रूप से पुरंदी का बैठक ¡Gracias!
राम
बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल कुमार शांति जी, आपने वाकई में जो जल वितरण की समस्या थी उसके बारे में विस्तार से चर्चा किया और समाधान का भी रास्ता बताया। हम साथियों, अब मैं इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री भूमि सुधार राजस्व बड़े भाई राम सुलभ राय जी को।
कुटनी के विधायक भाई अनिल कुमार सारी जी और सभी छूटे हुए हमारे सम्मानित शांतिगण सभागार में उपस्थित सभी हमारे भाई बंधु, आपको पुनः मैं अपनी ओर से, अपनी औराय विधानसभा की जनता की ओर से, मुजफ्फरपुर जिला की ओर से, बिहार प्रदेश भाजपा की ओर से, सरकार के मंत्री होने के नाते आप हमारे परिवार के अंग हैं, इसलिए पुनः एक बार मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका पूरा विषय भाषण के माध्यम से मेरे संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन चंद जब पूछते हुए आ रहा था अनिल भाई का भाषण जोरदार होता है, ताली खूब बजवाते हैं और भाई बड़े भाई हैं, सांसद भी रहे हैं, आरजेडी से भी रहे हैं, जदयू में भी रहे हैं और अभी फिर आते हैं और बड़े भाई उनको पूरा याद है कि हम तो गठबंधन में है, ये डायरेक्ट सरकार में सांसद थे और लगता है मुझे सांसद 6-7 साल तक थे, खराब नहीं भारत साल नहीं सांसद थे, खूब जी आप हमारे लोग हैं, पहली बार जब बने थे पूरे ट्रस्ट के लिए नहीं थे, दूसरी बार पूरे ट्रस्ट तो बुद्ध जी कहावत भी है वो हम लोग एक समाज के लोग हैं, थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाता है ज्ञान वर्धन, तो आज आप सबों का जो मांग हम थोड़ा पढ़ रहे थे उसके बाद हम आपका मांग मौखिक रूप से हम जानते भी हैं और आप समाज के निचली कड़ी का प्रमुख स्तंभ और समाज के बीच में आपका रहना सहना होता है, आपका मांग जो मांग आपने मांगा है सब आपका वाजिब है, मांग आपकी पूरी हो इसमें हमारी अहम भूमिका होगी और निश्चित रूप से हम वही बात बोलना चाहते हैं जो हम करना चाहते हैं। कहावत है थाने का दांत कुछ और होता है, थाने के लिए कुछ और होता है, हाथी भी हम पाले हैं इसलिए भी जानते हैं, राजनीति में भी जानते हैं, बहुत नीचे स्तर से उठ के हम यहाँ बहुत जिला के लोग हमारे परिवार के बारे में जानते हो, मेरे पिताजी 1970 से मुखिया रहे, उप प्रमुख रहे, प्रमुख बने, बाजार समिति के चेयरमैन बने, आरजेडी के जिला अध्यक्ष बने, अम्बेडकर सेना के जिला अध्यक्ष बने और निर्विरोध प्रमुख भी रहे, हमारे भाई आज भी चार प्रतिशत मुखिया है, मुखिया संघ के अध्यक्ष है, हमारी पत्नी भी प्रमुख थी, अर्जन सिंह हो गया प्रदेश महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष थी, हम भी आज विधायक और मंत्री और जिला अध्यक्ष भी रहे, यानी कहने का सेंस ये है कि हम आपके बीच से आए, हमको ये लॉन्च नहीं और बड़ी कड़ी मेहनत करके मेहनत और ईमानदारी की जरूरत है, व्यापार चाहे डीलर का हो चाहे खेती का हो चाहे किसी भी रोजगार का हो, अगर कोई मेहनत करके आता है भर के आता है तो निश्चित रूप से वो बहुत मेहनती और बहुत ही ईमानदार लोग होता है जो यहाँ तक भर के आता है, कुछ बेईमान लोग भी चले जाते हैं लेकिन लंबी आयु की नहीं होती है, रास्ते में कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट में मारा जाता है, एक्सीडेंट में मारने का उद्देश्य लाइन के रास्ता कट हो जाता है और वो लाइन से डाइवर्ट हो जाता है, हम ये नहीं करते कि हम बहुत लंबी राजनीति करेंगे बहुत लंबा काम करेंगे, लेकिन आप जो चेहरा यहाँ नजर पर रहे हैं वो आपका एक डीलर समाज है और इस समाज में सब वर्ग के लोग हैं और सभी लोग कैमरा चालू है तो खुल के और हम बोलते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा डीलर समाज पर जो धब्बा वो धब्बा समाप्त हो जाए, आप भी ईमानदार की श्रेणी में आए और मैं अपने विभाग के बारे में बता दूं कि हम अपने विभाग पर भी जो काम कर रहे हैं भले हमको जितना भी मौका मिले लेकिन हमारा जो लक्ष्य रहता है, हमारी जो मिशन होता है, हमारा जो मिशन होता है वो गरीबों के हित में होता है, आम जनता के मानस पटल पर जो उतरे वो काम होता है, तो आप सभी लोग हमसे ज्यादा, हम भी बिहार के हैं आप भी बिहार के, क्षेत्र अलग अलग है और तमाम सब भाई को मिला देंगे तो आप सब लोग 12 करोड़ जनता से जुड़े हुए, इससे बिहार राज्य के एक एक तमाम जनता से जुड़े हुए हैं और फिर भी आपको सम्मान नहीं मिलता, अपने गिरेवान में झांक के देखें
और अनिल भाई कह रहे थे कि आप घंटी बांधिए नहीं तो हम बांध देंगे, बांधने का मौका आपको भी मिला नहीं बांध पाए, आप फेलियर हो गए। अब आप मुझे साथ देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, आप किसी पदाधिकारी का नाम लेके भी बोल रहे हैं तो समारोह में आए और मैं बड़ा खुला बोलता हूँ, बहुत इच्छा शक्ति का प्रकट हूँ, गर्व है। मोहम्मद सोहेल मेरे मुजफ्फरपुर में डीएम बन गया, सारे फिल्मों का नकेल कसा, यानी नकेल कसने के बाद तमाम पदाधिकारियों का भी नकेल कसा गया। और बड़े मजे की बात है, अब सब तो नहीं बोल सकते लेकिन तमाम जनप्रतिनिधियों का भी हुक्का पानी बंद हो गया। तो क्या आप में वो ताकत है, आप में वो ताकत है, नेता में ताकत नहीं होता, जनता में ताकत होता है। जनता की क्यों ही ताकत समझ से राम मोहन बोल रहा है, अनिल साहनी बोलता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं क्षणिक देर के लिए आपका आवाज बन के मुझ में समाहित हुआ आपका पावर, लेकिन परमानेंट पावर आपके हाथ में है। आप तमाम बहुत ही आपका बड़ा कार्यक्रम हुआ है और इस मंच के माध्यम से आप लोगों को मैं संकल्प लेना चाहता हूँ। यह एक पंचायत एक मिलर किया, एक एसडीओ किया, बिहार का तमाम 3800 जिला का तमाम जनप्रतिनिधि तमाम पदाधिकारी टेटुए की तरह सीधा हो जाएंगे जब आप सीधा हो। ठीक है, हमने व्यापार को चुना है, व्यापार चुनने के समय आपने ये नहीं कहा कि हमको इतना माल चाहिए, इतना कमीशन चाहिए, इतना हमको ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए, हमको ये प्रति क्विंटल चाहिए, नहीं चुना। जो लोग आते हैं मैं देखा हूं उनके मन में बोलना उचित नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा क्योंकि हर एक पदों पर कब्जा चल रहा है। मैं एक ही बात करके अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, आगे भी मेरा दो और बात करने फिर पटना में है। आप सभी भाई सभी पदों से मेरा आग्रह है कि आप दरबार लगाना छोड़ दीजिए, आप लोगों के यहाँ व्यवस्था पहुंचाना छोड़ दीजिए, आप संगठित हो जाइए। और मुजफ्फरपुर से ऐलान करता हूँ और मैं अपने औराय विधानसभा से ऐलान करता हूँ, मेरे औराय के तमाम यहाँ डीलर बैठे होंगे, नेता बैठे हुए हैं और नेता भी के चयन रहता है मंत्री जी बात नहीं सुन रहे, मंत्री जी मेरा व्यवस्था नहीं देख रहे, विधायक जी नहीं सुन रहे, सुधारने के लिए भी बेचैन आते रहते हैं। मैं आपको विरासत इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे मन में हमेशा ईमानदारी के प्रति निष्ठा रहती है और जब चार लोग दारू पीने वाला होता है, एक व्यक्ति कोई दारू जब नहीं पीता है तो चारों व्यक्ति चाहता है कि कैसे बचवा कर हम पिलाते, तू भी मेरे समाज में आ गया। हम बोले थे कि हमको मत बुलाना मंच पर, हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, आपकी कमी को दूर कर रहे हैं। और जिस दिन आप अगर सुधर जाएंगे तो पूरा बिहार और जल में आप, और जिस वक्त जनता से हाथ जोड़ के आप कुछ कहेंगे जनता वो आपका बात स्वीकार कर लेगा, और जनता जब खुश रहेगा किसी पदाधिकारी को कलम चलाने का, किसी नेता जी को कमजोर करने का अधिकार नहीं प्राप्त होता। आप डायरेक्ट जनता से जुड़िए, जनता की सेवा कीजिए, जनता की भावना को सुनिए, जनता का कुछ कमाल दीजिए और जब सब देना शुरू कर दीजिएगा तो वो एसएफ में जो बैठा हुआ जो मंत्री हो जो ज्यादा नहीं देता है मतलब वो नहीं देगा। ठीक ना, तो मेरा कहना है मेरा मानना है संघ संघ में बहुत ताकत, कोई व्यक्ति एक बार पूछ के आइएगा तो एक क्या जोड़ना हमें तोड़ देगा, लेकिन मुट्ठी जब हम बांध लेंगे तो पांच आदमी से नहीं चलती, आप मुट्ठी बांध चुके हैं और बिहार की धरती पर क्रांति लाने की जरूरत है और सरकार चाहती है, सरकार इसके खिलाफ कभी नहीं जाएगी जब आपका आवाज बुलंद होगा और जब आप संगठित होइएगा और जब जनता आपके बारे में बड़ाई करना शुरू कर देगा तो नेताजी कुछ नहीं करेगा, नेताजी भी चरपटा के बढ़ जाएगा, नेताजी भी सब आता है, चाहे वो पंचायत का प्रतिनिधि हो, चाहे प्रखंड का प्रतिनिधि हो,
चाहे विधानसभा का प्रतिनिधि हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष, आप सबको कुछ करना पड़ेगा। आप कुछ करिएगा तो तमाम लोग कर जाएंगे। और समाज की बात बताते हैं तो विभाग मेरे पास आया, हम जब देख रहे हैं इस चीज को कि मांगने से पहले जनता देने के लिए बेचैन है, मांगने से पहले जनता देने के लिए बेचैन है कि जल्दी से ना हमारा व्यवस्था ले लो, हमारा विश्वास लेकर हमारा काम है। जबकि मैं मुजफ्फरपुर में विश्वास के साथ कहता हूं जो व्यवस्था यहां रहा हुआ सबसे रहा हुआ कि लोग जबरदस्ती फूस पहुंचाने के लिए तैयार, तो क्या कोई पूर्वक को धन होगा तो हमसे का भूखे पड़ेगा। तो आप सभी भाइयों से मेरा आग्रह है संगठन को तैयार कीजिए और मोहम्मद सोहेल का नियम लागू, कोई सरकार की आवश्यकता नहीं है, सरकार ने आपको ताकत दिया व्यवस्था दिया और जब आप सही करने लगेगा ये बताइए 9 महीने मोहम्मद सोहेल दिया यहाँ थे तो हम लोग बंद हो गया। हमने डीएम को कहा कि आपके आने से हम लोग का कम से कम रोजगार बंद हो गया, थोड़ा खराब लगा सर ऐसा क्या कर दिया हमें, ये रोजगार खत्म हो गया जब हम लोग गर्मी करने की जरूरत नहीं पड़ता, न विद्यालय का मास्टर का कोई शिकायत आता है, न डीलर का कोई शिकायत आता है, न हॉस्पिटल का कोई शिकायत आता है। यानी मेरे कहने का मतलब एक व्यक्ति एक थानेदार अगर जा ले उसके थाने में एक भी अवैध कारोबार नहीं है, एक विधायक अगर चाह ले, मुजफ्फरपुर का मिसाल हूँ, मैंने चाह लिया था तो प्रमोद चौधरी बैठा हुआ है यहाँ मेरा विरोधी था, वो खुद स्वीकार कर सकता है मैंने और आगे टिकुआ के लोगों को सीधा कर दिया। तो मानिए कुछ जनप्रतिनिधि ने मुझे कहा कि आप धनवान हो, हम तो धनवान नहीं हूँ, मैं धनवान नहीं हूँ, मैं विचारवान हूँ। गरीब का हक अभी नहीं छीनना चाहिए, भगवान आपको भी पैदा किया था आपका भी हक कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन किसी के मुंह का निवाला मत छीनिए। और लोगों ने मुझे दबाव दिया और मैं नया विधायक था, उसी 4 शराब पीने वाले के साथ मुझे भी शामिल करने का प्रयास किया और लोगों ने प्रयास भी किया। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, आप काफी दिन से यहाँ बैठे हैं, मेरे धरती पर आए, मेरे घर में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष से कहना चाहूंगा इस संगठन को और तेज कीजिए और धारदार कीजिए, आपको किसी के नजदीक जाके चरण वंदना नहीं करना पड़े, आप चरण वंदना करना है तो जनता के बीच में कीजिए, जनता का सेवा कीजिए, जनता को मान लीजिए और उससे कहिए कि हमारे साथ ये परेशानी है, ये मजबूरी है, आप मुझे क्षमा कीजिए। वह गरीब आज भी आप धनवान होइएगा और किसी गरीब के पास कह दीजिएगा कि हमको 5 किलो आज का अपना अनाज दे दीजिए, वो व्यक्ति आपको दे देगा, दे देगा। लेकिन आप 5 के बदला 25 लेना चाहते हैं, 25 के बदला कोई व्यक्ति बैठा हुआ 50 लेना चाहता है और आप दिल मिलाते हैं और कहते हैं मेरे साथ पदाधिकारी अन्याय कर रहा है, नेता अन्याय कर रहा है। नहीं, आप सब मजबूत हो गए, स्तंभ है, आप तख्ता हिला सकते हैं, आपने हिलाया भी था मुझे याद भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक अच्छी श्रेणी में अच्छे व्यापारी के रूप में आप उभर के आइए और अच्छा काम कीजिए, ये हमारी शुभकामना है। और बाकी जो आपका मांग है, आपका जो व्यवस्था है, जो भी जनून काम जनून मांग है, निश्चित रूप से सरकार का जो व्यवस्था होता है थोड़ा सा लचीला होता है और जिसके कारण परेशानियाँ बढ़ती हैं, तो सबसे बड़ा परेशानी आपके विभाग का है जो मैं समझ रहा हूँ, वही परेशानी मेरे भी विभाग का है। निचले स्तर पर जो कर्मचारी और व्यवस्था के द्वारा जो परेशानियाँ हो रही है, तो मैं तो विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों से और आग्रह भी करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने अपने परिवार का जमानती जरूर क्लियर कीजिए, जमानती नहीं कीजिएगा तो आपका डिस्प्यूट रहेगा, उस डिस्प्यूट का मजा वो अंचल में बैठे हुए लोग लेंगे। और आप 4 भाई हैं और 4 भाई मिलकर क्या सहज से जमाबंदी काम कर लेते हैं, सादे पन्ने पर भी काम करते हैं, तो मान्य होगा, वोट में भी मान्य होगा, 100 रुपये के स्टार्ट पर भी मान्य होगा, और वो लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा। और नहीं तो क्या होता है कि एक भाई बाहर रहता है, एक भाई यहाँ रहता है, एक भाई गुर्बक है और एक भाई चला के अपने पत्नी के नाम से जमीन करोड़ का बेच देता है और जाकर के लाखों रुपया कमीशन देता है और आखिर खर्च करवा देता है, और दूसरा भाई जो गुर्बक के बगल में गाँव का जो दलाल व्यक्ति बैठा हुआ है वो जाके 1 लाख का सामान 10,000 में लिखवाता है, लिखाने के बाद उनके 50,000 देता है। यानी दो व्यक्ति जो होशियार और दलाल जो मिलकर जो कर्मचारियों का जो आदत खराब कर दिया है, जिस कारण से जमीन को भी दाखिल खर्च करते जाते हैं, उनको भी परेशानी होती है। और इसका मिसाल के तौर पर फिर मैं कहना चाहूँगा, मेरे यहाँ बोचहा के लोग बैठे, मेरा बोचहा में घर है और आई कटरा मेरा क्षेत्र है, कि मैं 2000
ग्यारह में विधायक, दस में विधायक बना और बारह में मेरे पिताजी जीवित थे और चाचा जी और हमारे चाची छियानवे सत्तानवे में ही मर गए थे। मेरी माँ का नाम का जमीन मेरे चाचा जी के कब्जे में था और हमने पिताजी से आग्रह किया कि आप ये बताइए कि ईमानदारी से काम करना चाहते हैं कि बेईमानी से। उन्होंने कहा कि अर्जुन ने बेईमानी नहीं किया। हमने कहा कि आप अपने जीते जिंदगी पुरपट्टी को बंटवारा कर दीजिए। बोले कि मेरे मरने के बाद होगा। हमने बहुत अच्छा सुझाव आपका, लेकिन मरने के बाद राम इस बात को समझेगा कि ये पिताजी ने जमीन दिया है, लेकिन आपका पोता और परपोता नहीं समझेगा कि हमारे दादाजी के नाम से देवाला, दादी के नाम से देवाला है, तो जमीन को फिर बेच देगा, फिर महाभारत शुरू होगा। उन्होंने तुरंत स्वीकार किया और कहा तुम्हारा सुझाव सही है, तुम कर्मचारी अर्जुन को बुलाओ, सारा पुरपट्टी 130 एकड़ का पुरपट्टी का बंटवारा हमारा हुआ और 12 भागों में बंटवारा हुआ और 2012 में कोर्ट से हम लोगों ने केस करके बंटवारा करके 6 महीने में क्लियर किया और मेरा परिवार आज सुख शांति चैन से है। अगर ये बंटवारा नहीं हुआ होता कितने मेरे मोचहा के विरोधी जगत राज यहाँ बैठे अध्यक्ष जो जानते हैं कितने विरोधी आते और पंचायती करते और चाय पीते पंचायती करते करते उनको बिठा देते नहीं पाते। लेकिन ये मेरे परिवार में अगर जान और दुश्मन मिला कर हुआ है मेरे परिवार में हुआ है और आज इसके कारण हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि मेरा समय लड़ाई में नहीं जा रहा, मुकदमा में नहीं जा रहा, मेरा समय विकास में जा रहा है और मेरा तीन पीढ़ी एडवांस हो गया, मेरा मेरे बेटे का और मेरे पोते का अब कोई लड़ाई झगड़ा रह ही नहीं गया। तो आप लोग अपने सुरक्षा से खींच रहा है, खरीद रहा है, अपना विकास कर रहा है, तो एक भूमि सुधार मंत्री होने के नाते आप सबको जाइए और जमीन सबके पास है, एक डिसमिल हो चाहे 100 डिसमिल चाहे 1000 डिसमिल, जमीन सबके पास है, जमीन के कारण ही केस बढ़ रहा है, जमीन के कारण ही हत्याएं हो रही है। आप सभी भाइयों से मेरा आग्रह है कि जमाबंदी को भुगताना है और जमाबंदी का बहुत अच्छा नियम बनाया था मुख्यमंत्री जी, आभार प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ भूमाफियाओं ने हाईकोर्ट में जाकर स्टे लगवा दिया, लेकिन पुनः एक नियम बना है कि जब तक आप जमाबंदी में लेंगे सरकारी लाभ नहीं, तो आप इस चीज़ को इंप्लीमेंट कराइए और सभी साथी आए हैं आपका मांग पत्र मैं रख लिया हूँ अच्छे से पढ़ के और मांगे चर्चाएं नहीं हुई थी, मैंने बताया भी था और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं बात करके विश्वास दिलाता हूँ जो भी बात होगा मैं रखूंगा, रख करके आपके हित में अच्छा से अच्छा व्यवस्था हो और अच्छा व्यवस्था करने के पहले आपको अच्छा बनना पड़ेगा। किसी को अगर हम कहेंगे कि तुम दारू मत पियो उसके पहले हमको दारू छोड़ना पड़ेगा, हमको तुम बीड़ी मत पियो हमको बीड़ी छोड़ना पड़ेगा, यानी पूरे चीज को अपने करना होगा। आप सभी लोग आज के बाद सारे सिस्टम को ध्वस्त कीजिए, एक रुपया किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, आप जाकर के वही पैसा वही आम जनता के बीच में दीजिए और जो भी होगा आपकी लड़ाई आगे लड़ती रहिएगा, लड़ते रहिएगा और आपका विजय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद मंत्री जी। जब मैं आपके पास यहाँ उपस्थिति के लिए गया था आपने कहा मुझे इसमें तुम्हारी शिकायत करूँगा, मैंने भी कहा था कि सर हमारी शिकायत होनी चाहिए और जरूर कीजिएगा ताकि उन शिकायतों का कारण का पता चले कि आज आखिर वो शिकायतें क्यों हो रही हैं। अगर वो शिकायतें आप जान जाए और उसका कारण का पता चल जाए तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमारे विक्रेता साथी उसमें अंगोचित परिवर्तन नहीं करेंगे। और आज के डेट में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश के स्तर पर आज बिहार में 98% का अगर मेरा ऑथेंटिक वितरण हो रहा है तो एक मात्र बिहार में हो रहा है, कोई भी राज्य में नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपको पुनः धन्यवाद साधुवाद देते हुए करना चाहता हूँ कि मैं भूत की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं भविष्य में जीना चाहता हूँ और उज्ज्वल और आपकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप जनमानस भविष्य के में भी अपने आप को अपने प्रिय परिवार के साथ मानूंगा। ये हमारी समीक्षा है और हमारे साथी भी इसका स्वागत करेंगे। जय हिंद। आप सभी साथी से आग्रह है कि बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको सुनने के लिए काफी दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, अब आपके बीच में उपस्थित होंगे। सभी हमारे जनप्रतिनिधि नेता बंधु से आग्रह है कि आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाए। अब आपके बीच में पांच किलो अनाज मांग लीजिए। अब मैं सीधे तौर पर जिनको सुनने के लिए काफी देर से आप इंतजार
इंतजार कर रहे हैं हम लोगों के अभिभावक। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री बीसी कटारिया जी से आग्रह है कि आए हम लोगों को संबोधित करें। आज की सभा के अध्यक्ष महोदय श्री रविंद्र कुमार जी और संजय पासवान जी मन संचालन कार्यकर्ता देवनंदन राष्ट्रीय प्रधान महासचिव मोहम्मद असलम प्रदेश अध्यक्ष मांगीराम जाटव जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता जी महाराष्ट्र से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राम पासवान जी मोहम्मद सजीवुद्दीन और रामचंद्र मिश्र जी सुनील यादव चंद्रप्रकाश दीपक जी और तमाम पंचासी मेरे साथियों। और आज मैं इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों को एकजुटता का परिचय देखते हुए धन्यवाद देता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ इंडिया एंटरप्राइज फाउंडेशन की हैसियत से। कृपया एक बात ना जाए, 5 मिनट की बात है, फिर उसके बाद उठ लेना। हमारी ऑल इंडिया फेडरेशन अब प्रगति के रास्ते पर कदम रख चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक हम आए और भाषण करके चले गए, आप लोग सुन करके चले गए, उसके बाद में जो भी देखा आपने अपना निर्वाहन किया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हुई। आज हम एक सही तरीके से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे जो दिल्ली के बॉर्डर पर चारों तरफ किसान पड़ा हुआ है, शायद उसकी बात आपको मालूम नहीं है। आप लोग सभी समझ जाइए कि हमारा जो राशन प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो आधार है, जो जमीनी मुद्दा है कि जब किसान ही फसल नहीं उग जाएगा, नहीं मंडी में उसका बिक्री होगा और उसको अच्छा दाम मिलेगा, तो हमारा राशन कहाँ से आएगा? कि हम चावल चना और मोटा अलग अरहर दाल और अन्य वस्तुएं जो हम जनता को राशन के माध्यम से राशन कार्ड के माध्यम से वितरित करते हैं। तो हम सभी लोग इस बात से सचेत हो जाएं कि ये फांसी का पत्ता राशन लेकर के गले में आ ही चुका है। ये हमारे को अच्छी जानकारी अभी आप मालूम नहीं है शायद आप लोगों को कि आने वाले अप्रैल माह के बाद मई जून जुलाई में शायद वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो कानून 3 काले कानून सरकार ने किसानों के विरोध में लाई है सरकार और किसान इससे विचलित है, वो अपना पालन पोषण करने में सक्षम नहीं है। वो चाहता है ये कानून खत्म हो जाए और हमारी ऑल इंडिया फेडरेशन आपके माध्यम से चाहती है कि हम उनके साथ हैं। जब तक वो जीवित है तो हमारी फेडरेशन हमारे सत्ताने चलेगी, अन्यथा ये बंद हो जाए, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ये हमारे बड़ा सब नियम चालू नहीं मिलेंगे शायद। तो हम एक जुटता का परिचय देते हुए और हम सभी ऐसी कार्रवाई करेंगे कि एक देश एक राशन कार्ड और एक कमीशन जो हमारा खाद्य कमेटी ने 498 रुपये प्रति किलोमीटर के माध्यम से प्रत्येक राज्य में देना चाहिए कि कमेटी को कमेटी की सिफारिश हुई है। वितरण विभाग को हमारे कृषि भवन में सार्वजनिक वितरण मामले एवं उपभोक्ता मामले मंत्री को हमारा कमीशन 498 रुपये होना चाहिए तमाम हिंदुस्तान में। हम चाहते हैं तभी हमारा डीलर सहकुशल और खुशहाल हो सकता है। और जो अभी हमारे मंत्री महोदय आपके सामने बोल रहे थे, आप जनता को खुश रखिए, अब काफी समय चला गया, अब आप भी ऐसे के ऐसे हैं, कोई प्रगति नहीं हुई, शायद आप ईमानदारी के तौर तरीके अपनाएंगे और गरीब आदमी की मदद कर देंगे तो शायद भगवान खुदा वाला हमारी भी कर सकता है। ये बात आप ध्यान से देख लीजिए, आपके लिए वो कार्डधारी कार्डधारी है उसकी मदद कीजिए, उसका समाप्त को सही तरह से पहुंचाइए, वो आपको मेरे मिलता है और मैं आपकी आपकी बातें हरेक प्रतिनिधि मेरा ऑल इंडिया बिहार का अध्यक्ष और महासचिव प्रधान महासचिव सभी इसी का राजा बन जाए और इसी का जो हम निभाएंगे। हम जब जनता को मान लेंगे तो हमें ऊपर सरकार को या किसी पर सरकार करने का वो नहीं रहेगा। इसीलिए सभी लोग इसको अच्छी तरह समझ लें, कोई भी पदाधिकारी मैं भी
उसका सामान देगा। कुछ दो चार दस 5% भी मैं नहीं भी कोई दे पाया तो उसके घर से लेकर आया उधर नहीं है, लेकिन वो लोग खुश होंगे तो आप भी खुश होंगे, आप खुश होंगे तो हमारी फैमिली खुश होगी और फैमिली खुश होगी।